तुझे आ रही ना तो सो जाना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? सो रही हूँ। ऐसा कभी नहीं किया रणबीर ने, हमेशा मेरा फोन उठाता है, हो सकता है बिजी है। कहीं भी बिजी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरा फोन नहीं उठाया ना, अब मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी। क्या बताए, क्या बताए, टाइम से बैठ रहा हूं चीफ। आप यहाँ, आपने बताया भी नहीं एक बार भी मेरे को। अरे किसी और फंक्शन में थोड़ी है तो जो बता के जाऊंगा। चीफ मेरा वो मतलब नहीं, आप ठीक हैं? आर यू ओके? रिलैक्स, अभी मैं पूछना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, शॉर्ट में सुन ले। फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। डैड कॉफी। विक्रम अंकल, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पे, वरना मैं आपके लिए भी कॉफी लेकर। बेटा नो प्रॉब्लम, उनके लिए दूसरी ले आओ। ओए ओए, क्या दूसरी ले आओ, मेरी बेटी ने बनाई है, मेरी फर्स्ट कॉफी है। तूने लिया ना तो देख, मेरी हर चीज पर इसकी नजर रहती है। कॉफी मेरी जान, मेरी नजर तो तेरे पे टिकी है। तेरी इसी नजर की वजह से तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गया था। देख मैं अपनी बेटी की पहली चीजें कभी मिस नहीं करता। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ फैशन शो, और पहली बार कॉफी बनाई उसने, भी लंदन वाली है। कम ऑन, गिव इट मी। ले भाई ले तेरी कॉफी, तू जाने तू पी। अभी तकिया उठा के मारा, क्या पता लैंप भी उठा के मार दे यार। मारने की आदत गई नहीं ब्रो। थैंक यू, वेलकम। स्मेल्स रियली नाइस। अरे यार शर्मा का फोन, लवली। चल भाई, शर्मा का फोन है, शर्मा मत, चल चल। अरे रुक जा, शर्मा ने तुझे फोन किया ना, तुझसे बात करने के ना, तो इसी क्यों ले जा रहे हैं, मुझे इसे बात करनी है। नहीं करने तू तो। लैम जो है ना अभी मेरे पास है। तू हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ भी उठा के मार रहा है। मैं शर्मा का फोन अटेंड करता हूँ, तू इसे कर ले अटेंड। रणबीर कम से मेरी बात हुई तेरे डैड से, उसने बताया मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं जानता हूँ वो माया की फैमिली बहुत पावरफुल है, लेकिन तेरे चीफ कम नहीं। अगर वो लोग नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे भी ना, ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। इसलिए डू व्हाट यू हैव टू डू, किसी प्रेशर में आके वो माया से शादी करने की जरूरत नहीं है। राइट, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। किसी भी चीज में हेल्प चाहिए होगी जस्ट टेल मी, मैं बता देना क्लास से शुरू करना। जो कुछ नहीं चाहिए चीफ, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मतलब क्या है, बता रहा हूँ मैं, जब भी जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू सो मच जी। वो मैं डीसी क्या? नहीं। अच्छा आप कॉफी पीजिए, मैं आता हूँ। टेक केयर, बाय। अच्छी है ना? हाँ? कॉफी? ओह थैंक्स। When your mind, I'll be generous. Wait, phone switch off? ये हुआ कैसे? बैटरी लो हो गई होगी। बैटरी तो है। ओह, लॉची की मिस कॉल। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों? मैं नाराज क्यों होंगी? मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? एक्चुअली ना मैं वो बात तो मत करो, एक्सक्यूजेस तो मत ही दो। अगर मैं बिजी होती और तुम फोन करते ना, तो मैं एटलीस्ट फोन उठा के इतना बताती कि बिजी हूँ, बाद में बात करती। मैनर्स कहते हैं इसे। तो मैं भी तो बाद में ही बात कर रहा हूँ ना प्राची। हाँ हाँ, गलती से लग गया होगा नंबर मेरा। अरे गलती से तो रॉन्ग नंबर डायल होता है, पर ये तो बिल्कुल राइट नंबर है ना प्राची। मुझे रॉन्ग नंबर का पता नहीं, रॉन्ग टाइम पे फोन किया तुमने। क्या हुआ, रॉन्ग टाइम क्यों? तुम सो रही हो क्या? सो रही थी, हंस रही थी, गा रही थी, उठ रही थी, नाच रही थी, तुम्हें इससे क्या है? तुम बिजी थे ना, तुम बिजी रहो, बाय, फोन रख रही हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? क्या कहा तुमने? नहीं कुछ कहा नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? देखो मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आगे से ऐसी बात मत करना, समझे? मुझे पता है, लेकिन तुम एक गर्लफ्रेंड की तरह मुझसे लड़ क्यों रही हो? मैं लड़ रही हूँ तुमसे? तुम लड़ नहीं रही हो तो क्या कर रही हो? और तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या गुस्सा आ भी रहा है पर मुझे बात भी करनी है, बात नहीं भी करनी पर मुझे करनी भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बताइए सब क्या होता है? ये सिम्टम्स होते हैं एक अच्छी गर्लफ्रेंड के। सिम्टम्स? सिम्टम होंगे तुम में। और क्या, अच्छे बॉयफ्रेंड के? नहीं, पागलपन के। तुम्हारा दिमाग खराब है इसलिए सिर्फ बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कुछ भी बोलो लेकिन
ये सब मत बोलो, तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, समझे? तो ऐसे गुस्सा करने को प्यार कहते हैं क्या? मेरे यहाँ तो नहीं करते ऐसे प्यार। इससे क्या कहते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, फिलहाल तो रात बहुत हो चुकी है, मुझे सोना है, गुड नाइट। देखो तुम फिर से फोन काट रही हो ऐसे गुस्से में। हाँ गुस्सा हूँ मैं, गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ रणवीर। मैंने दो बार फोन किया, दोनों बार तुमने फोन नहीं उठाया और बाद में तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। कौन करता है ऐसे? मैंने स्विच ऑफ नहीं किया फोन, आई स्वेयर मैंने नहीं किया। मैंने यहाँ बैठ के तुम्हारा फोन स्विच ऑफ कर दिया जादू से। अरे मेरा मतलब है मुझे खुद नहीं पता कैसे हो गया, आई डोंट नो। चंबी फोन है खिलौना है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्या? दूध पीते बच्चे हो तुम। अगर मैं दूध पीता हुआ बच्चा होता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता? एक तो ना ये गर्लफ्रेंड बोलना बंद करो तुम। तुम मुझे डांटना बंद करो की गर्लफ्रेंड की तरह। फिर तुम्हें समझ में नहीं आता कहा ना, ऐसी बातें मत करो। एक सेकंड, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की तरह बोला है, मैंने तुम अपनी गर्लफ्रेंड बोला नहीं है एक्चुअली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बस आगे एक वर्ड भी मत बोलना। अच्छा ठीक है सॉरी। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने फोन क्यों किया, सब ठीक है? फोन इसलिए किया था क्योंकि बताना था कि हम लोग सेफली घर पहुँच गए। थैंक गॉड। तुम बस मुझे बता दो कल कितने बजे मिलना है। क्यों भूल गई मिशन माया, इतनी जल्दी भूल गई? हाँ ऑफ कोर्स याद है, भूलती नहीं मैं कुछ। तो हम एक काम करेंगे, हम सुबह सुबह राहुल के पास चलेंगे, मैं तुम्हें उठा लूंगा और हम उसे जाके सीधा सीधा पूछेंगे कि उसने स्टेप बैक क्यों किया। ठीक है तो कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा लिसन गुड नाइट बाय। चिकचिकी बकलो। शांति पड़ती कलीजे में ठंडक। तुझे नींद नहीं आ रही, सो जाना। बाजी ये सब ना इश्क का सिम्टम है। मैं बता रही हूँ तो बोलती सिम्टम नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये इसी को ही बोलती प्यार का सिम्टम। शाना मैं माँ को बताऊंगी तो सो जा तो पिटेगी, साथ ही मैं भी बता दूंगी तो क्या करिए। चुप मैं कुछ नहीं करती, सो जा तू, सो जा पागल। चलती तुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पागल बोलती तू, पागल तू, पागल। गुड नाइट। Hi. तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या? Of course हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? That's not what I meant. Actually मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, कहाँ थे तुम? मैं किचन में था। किचन में इतनी देर तक? हाँ एक फोन कॉल था तो उसमें टाइम लग गया। I see. So? If you don't mind मैं सो सकता हूँ क्या? Sure, the bed is all yours. Yeah. Thanks, but मेरे सोने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा ताकि मैं सो पाऊँ। Sorry. I'm really sorry. Actually मैं कुछ सोच रही थी, आई जस्ट फॉरगॉट कि तुम्हारा रूम है। क्या कुछ हुआ क्या? हाँ एक्चुअली मैं बताती हूँ ना, मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि यार तुम्हें माया के मैटर में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर उनकी हेल्प क्यों नहीं ले रहा? तुम ये पूछने के लिए यहाँ पे आई थी? अरे बहुत सिंपल सर, तुम्हें पता है ना जितना मैं चीफ को चाहता हूँ उससे बहुत ज्यादा चीफ मुझे चाहते हैं, और मेरे लिए ना वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर देंगे। एंड आई नो दैट उस दिन मैं कस्टडी में फंसा हुआ था तो मुझे बचाने के लिए खुद तोड़ दिया उन्होंने रूम, और खुद फंस गया मेरी वजह से। ऑलवेज है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब वो और प्रॉब्लम नहीं फंसे, इसीलिए मैं चीफ की हेल्प नहीं ले रहा हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तुम्हारे और डैड के बीच में हुआ कैसे? अरे बहुत सिंपल है, कनेक्शन एक्चुअली दिमाग का नहीं है ना, कनेक्शन दिल का है, और दिल के कनेक्शन में कभी कभी हम ऐसी चीजें कर देते बिना सोचे समझे, जस्ट डू इट। एंड रिया ऑनेस्टली मेरे साथ कुछ भी हो जाए ना, एनीथिंग दैट हैपेंस टू मी, मैं ख्याल रख लूंगा अपना, मुझे पता है बच जाऊंगा। मेरी वजह से चीफ के साथ कुछ हो जाए वो मैं नहीं सह पाऊंगा, दैट्स इट। मैं नहीं चाहता कि चीफ मेरी किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो। तो फिर तुम माया के मैटर से बाहर कैसे आओगे? अगर बाय चांस कुछ नहीं हो पाता कुछ नया ट्राई करूंगा। हां आई विल, क्या करूंगा? इतना प्यार करते हो डैड से? जरूरत से था, मतलब डैड तुमसे जो भी कहेंगे तुम उनकी बात नहीं टालोगे? नहीं कभी। Really? Yeah. Do you know why? I would love to know why. मुझे पता है कि चीफ मेरे को जब भी कुछ बोलेंगे ना वो मेरे भले के लिए बोलेंगे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे जो मैं करना नहीं चाहता, तो उनकी बात मान मान के मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मैं हूँ। उनके वर्ड्स मेरी कमांड, एक बार वो मुँह से निकाल दे पूरा कर दूंगा। इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तुम थके हुए थे ना, यू स्लीप। हाँ बट ऐसे गुड नाइट। गुड नाइट रिया।
प्राची, हाय। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हें पता है क्या? क्या? मुझे बस एक चीज करनी नहीं है। क्या? वो है इंतजार जो तुमने मुझे यहाँ बिठा बिठाए करा दिया है। मुझे लगा तुम इतनी देर से आ रही हो, मैं कुछ कर लेता हूँ। मैं म्यूजिक सुन रहा था ताकि मैं अपने आप को एंटरटेन कर सकूँ। ये म्यूजिक था? हाँ तो ये म्यूजिक नहीं, शोर था। शोर मचाना कहते, इतना लाउड। चलो ऐसे में कहीं नहीं जा सकता, सॉरी। तुम्हारी ये इतनी डरावनी शक्ल देख के क्या हो गया? तुम इतनी अपसेट क्यों? सुबह करेला खा लिया था? किसने कहा मैं अपसेट हूँ? मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। तुम अपसेट नहीं हो तो मैं अपसेट हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ? तुम बता सकती हो मुझे? इट्स ओके। तुम्हारे बारे में बड़बड़ाती रहती दिन भर, तो तुम मेरे सपने में आ गए। मैं तुम्हारे सपने में आया? हाँ, सपने में आने के लिए वीजा थोड़ी ना लगता है, कोई भी आ जा सकता है। तो क्या मतलब, क्या मैंने किया? क्या मतलब तुम्हारे सपने में मैं क्या क्या कर रहा था? तुम ना तुम चिल्ला रहे थे कि माया, मुझे माया से शादी करनी है, माया से शादी करनी है। मैं तुम्हें समझा भी रही थी कि माया अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए मैं गुस्सा हो गई थी। तुमने इग्नोर किया मुझे। ओ, तभी ऐसे करली जैसी शक्ल बनाई हुई है। हाँ, गुस्सा हो तुम पे। बट तुम गुस्सा क्यों? मैं सपना था ना वो, मैं हाँ, तो सपने में हरकतें तुम्हारी थी ना। मैंने कैसा? पर कुछ नहीं, तुम चलो ड्राइव करोगे? चलो नहीं, ऐसे कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो, ओके? ध्यान से। सो हमारे जो सपने होते हैं ना, जैसे तुमने बोला कि वीजा नहीं लगता है, वैसे ही सपने में कुछ करने के लिए कोई परमिशन थोड़ी लगती है। सपने में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी मैं खुद से कर रहा हूँ वो। कर दे देना मर्डर उस माया का, उसकी आरती उतारने की, गुणगान गाने की क्या जरूरत थी? तो मैं ऐसे ही शादी करूंगा। अच्छा, यू नो व्हाट प्राची, आई एम वेरी सॉरी। वेरी गुड, मतलब गलती मान रही? नहीं, गलती के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि कल रात को एक्चुअली तुम भी मेरे थोड़े सपने में आ गए। एक सेकंड। अरे क्या हुआ? मैं तुम्हारे सपने में क्यों आई? सपने में बहुत कुछ किया पता है तुमने? मुझे बोला कि रणबीर माया से शादी मत करो प्लीज। देखा, सपने में भी सही काम करे। पूरी बात तो सुनो मेरी, तुमने क्या बोला? तुमने मुझे बोला कि माया से शादी मत करो, माया की जगह तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। और तुम पता मैंने क्या बोला? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। और मैंने हाँ बोल दिया। एक मिनट। नहीं, अब तुम डरो मत, कुछ नहीं होता। अब एक काम करेंगे, हम लोग ये गाड़ी लेके सीधा मंदिर जाएंगे। मंदिर में जाके हम पंडित जी को 11,000 रुपए देंगे और वो हमारे सारे फेरे वेरे सब कुछ करा देंगे। शादी करना जरूरी तो है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक मिनट, ये तो तुम्हारा सपना था ना। लेकिन हरकतें तो तुम्हारी थी ना, है ना? तुम्हारी हरकतें, सपना मेरा। से अब जरूरी तो है, रियली सॉरी यार। चले गए यहाँ पे कोई मंदिर पता है आसपास में? अगर हम लोग ऑडियो विजुअल जो देखते हैं ना सुबह, वो हमारे दिमाग में हैंग हो जाते हैं और हमें रात को सपने की तरह सिंपल, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चिल, नहीं करना शादी। तुमसे शादी भी करूंगा ना, अगर तुम ऐसे धूमधाम से करूंगा, ऐसे पंडित पंडित के साथ अच्छे से चले। क्या हुआ राहुल? पर तुम पक्का मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? कभी नहीं राहुल, सिर्फ तुम एक ही हो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे पकड़ो उसे। ओह थैंक गॉड, यही मिल गया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तुम्हारा दूसरे वाला पहले वाले के पास आ रहा है। रुक जा राहुल। दूसरा वाला पहले के पास? क्या बोल रहा है? ऐसा तो नहीं उसके सामने कोई आ गया, इसलिए शायद फोन रख दिया। राहुल, दरवाजा। रुक जा राहुल। राहुल क्या कर रहे हो? रुक जाओ, देखो भागना, तुम भाग क्यों रहे हो? वापस नहीं आना ना घर पे। बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, मैं वहां सो जाऊंगा, लेकिन अब मैं घर नहीं आऊंगा। थैंक यू। क्यों? वो तो तुम मजाक का टाइम चल रहा है, भाग जाओ। तुम पकड़ो ना राहुल। रुको राहुल, स्टैचू राहुल रुको। नहीं रुकेगा। अगर तू भागा मैं तेरे पीछे भागूंगा, और अगर मैं तेरे पीछे भागा ना राहुल, तो तेरी गर्दन इससे काट दूंगा मैं। राहुल मेरे दिल पे खून सवार हो रखा है। रुक जा। ये भी नहीं पता कि खून सर पे सवार होता है? सर में दिमाग होगा तब पता होगा ना। अरे तो कहीं पे भी हो, सर में हो, दिल में खून तो सवार है ना। तुमने सुन लिया?
नहीं, कॉमन सेंस यूज करिए, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या सोच रहे हो, उस पर उसको समझ में नहीं आ रहा है। सुन, मैं तेरे को लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, चुपचाप मुझे सब बता दे, वरना तू मर जाएगा और तू बचेगा नहीं। अच्छा पहले मेरी बात सुनो। बोल। अगर तूने मेरे को मारा ना तो तुम दोनों फंसोगे और तुम दोनों जेल जाओगे। हम दोनों जेल जाएंगे, हम तो बाहर आ जाएंगे ना, लेकिन तू एक बार मर गया तो मर गया, वापस तो नहीं आ पाएगा। चुपचाप बता दे, बच जाएगा तू वरना मर जाएगा तू। इससे अच्छा ये बता, सब सच सच बता दे, क्या हुआ? अगर माया तुम्हारे साथ भाग गई थी तो उस रात वापस कैसे आई? बोलो। उस रात की तो बात ही मत करो। अच्छा तो मरो। नहीं 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 नहीं, मैं सब बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, पहले मेरे को थोड़ा सा पापा की याद आ रही। नहीं नहीं नहीं, पानी पानी पी लो। हाँ तो पानी पी लो, ये ले, लेकिन दादा मत पियो, फिर बोलेगा सुस्त कर लो। इसको क्यों पकड़ा है? ये काम तो आया नहीं ना, तो छोड़ दो इसे। You're right. क्योंकि डराने का ना तरीका होता है। हाँ, अगली बार ना सिर्फ डायलॉग बोलने से अच्छा एक्शन पे फोकस करो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सुना था? नहीं सुना होगा, स्कूल तो गए नहीं तुम। राहुल भाग रहा है। तो पकड़ो उसे। राहुल, रुको। बहुत मार दिया, तेरा बहुत हो गया, अब तुझे चुपचाप बता वरना। मैं बता रहा हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। बता। हमारा प्लान ये था कि जब माया और मैं तेरी गाड़ी लेके निकले वहां से, तो माया ने अचानक हैंड ब्रेक खींच दी। क्या हुआ? मेरी मॉम ने एक कहानी सुनाई। जल्दी बोल। तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? हाँ माया, मैं तुम्हारे लिए कान तारे भी तोड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, लेकिन ये सब हम बाद में करेंगे, अभी पहले हमें निकलना होगा। और डायमंड ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, और ये जो गाड़ी में हम बैठे हैं, ऐसी गाड़ी? माया, इन सबके लिए टाइम लगेगा। तब तक तुम्हारी सांस फूलने लगेगी और मैं दो बच्चों की माँ बन जाऊंगी। बट यार मेरा प्यार तो होगा ना? मुझे प्यार के साथ साथ ये सब चाहिए। प्यार या पैसा, एक चीज चुन लो। और अगर प्यार और पैसा दोनों मिल गया तो? मेरे पास ना एक प्लान है, जिससे तुम भी मेरे और पैसा भी मेरा। फिर उसी प्लान की वजह से माया वापस संगीत में चली गई और उसने वहां सबको बोल दिया कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा था और ना ही उसे किसी ने किडनैप करा। और ये तुम्हारा प्लान है क्या? तुम्हें फंसाने का। यार तुम लोग को तरस तरस नहीं आता है क्या मुझमें? तुम हर बार मुझे क्यों फंसाने लग जाते हो? एक मिनट, पूरा प्लान बताओ। एक्चुअली पूरा प्लान ये है कि माया तुमसे शादी करेगी और नेक्स्ट डे तुम्हें डाइवोर्स दे देगी, और वैसे भी तुम उसको चाहते तो हो नहीं, इसलिए तुम इजीली हाँ बोल दोगे। व्हाट रबिश, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? माया ने बोला था। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिवोर्स देने के लिए मेरे पास सॉलिड रीजन है। कैसा रीजन? रणबीर और प्राची का वीडियो रिकॉर्डिंग, होटल रूम का और ड्रेसिंग रूम का रिकॉर्डिंग, इन सब से मैं रणबीर को अच्छे से बदनाम कर दूंगी और फिर हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और जो डिवोर्स में मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से तुम बिजनेस सेट कर लेना। पक्का? पक्का। नाइस आइडिया ना भाई। एक रिक्वेस्ट थी प्लीज, मुझे माया से शादी होगी ना तो जो फर्स्ट नाइट होगी ना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि मैं क्या बकवास कर रहा है तू? क्या डिस्टेंस? और कोई फर्स्ट नाइट नहीं होगी और कोई शादी वादी तो कुछ नहीं हो रही। तू मेरे साथ अभी माया के घर चलेगा और वहां जाके सबके सामने बोलेगा कि तूने और माया ने मिलके मुझे फंसाने का ये प्लान बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। मेरा प्लान फेल होगा और तू जेल में होगा। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम सबको ये बात बताओगे कि मैंने तुम्हें बताया तो तुम पे ट्रस्ट कौन करेगा यार? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि क्या? क्योंकि मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ और कभी किसी को नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ गया। हाउ प्राची, चाकू, आर यू ओके? आर यू ओके? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो भाग गया तो? हाँ ऑब्वियसली, भाई का नहीं खड़ा रहेगा क्या? आगते भागते साथ में डिवोर्स की स्टोरी भी सुना के चला गया। क्या बोले जा रहे हो? तो बोले जा रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ जो मैंने सुना उसके मुंह से। ऐसा लगेगा लोग क्या बोलेंगे, वो देखो डिवोर्सी रणबीर जा रहा है, वो देखो डिवोर्सी रणबीर आ रहा है। तुम्हें नहीं पता? मैंने तो कभी ऐसा कुछ पता है? तुम्हें नहीं पता कितनी शादी करके डिवोर्स किया? तुम्हें क्या पता है? कैसी बातें कर रही हो? अरे अभी तक गाँव बसा नहीं है। गाँव की क्या बात चल रही है यहाँ पे? कहाँ, होशियारपुर में हो तुम? गाँव मतलब जो हुआ नहीं उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? गाँव चिंता, ये गोल गोल घूमना बंद करोगी? क्या बोले जा रही हो तुम? बोलो यहाँ से, बोलो। और तुम ना, तुम मेरी टीचर जैसी हो, भी जैसे बोलती रहती गोल गोल गोल। तुम प्लीज टीचर बनना बंद करो यार, इतना मुझे यार बोलना बंद करो। तो सबसे पहले क्या महाभारत हो रही है और तुम्हें यार की पड़ी? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? नो। ओके, तुम्हें इस यार वर्ड से प्रॉब्लम है? क्या बात, आज तुम मुझे क्लियर कर दो प्लीज, आज जस्ट क्लियर कर दो प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता तुमको? क्योंकि वो क्यों? क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहते हैं ऐसे? हंसी नहीं, 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 ह
तुम्हें? होशियारपुर ने होशियारपुर में ऐसा कहते हैं कि यार है तो चक्कर सॉरी यार है तो चक्कर है यार तुम्हें तो बोलते नहीं यार है तो चक्कर है सॉरी होशियारपुर में ये बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है सही पानी यार तुम्हें क्यों तो मुझे मान लेती हो अच्छा सुनो यार का ऐसा कुछ मतलब नहीं होता चक्कर वक्कर ऐसा कुछ नहीं यार वो होता है जो तुम्हारे बहुत खास दोस्त हो जो तुम्हारे साथ हो तुम्हारा स्पेशल फ्रेंड हो वो होता है यार तो स्पेशल वही हुआ ना जो तुम्हारे दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा exactly. तुम्हारे ख्वाब में आए यार वो होता है जो तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हें कुछ समझ में ना आए यार वो होता है जो तुम्हारी आंखों में देखे तुम पलक ही ना झपका पाओ